सभी मेंबर से मैंने ये दुआ पढ़ी, तो लोग अपने अपने साथी में जो बात लेके आते हैं इतने एक पूरी किताब या किताब का हिस्सा कर सकता अल्लाह सल्ले आजा वाते मता व अबीहा व बाजहा व पढ़ीहा हदीस किताब के अल्फाज जरा तब्दीली के साथ वहां पर जिन अल्फाज पर पेश है यहां पे से अल्लाहुम सल्ले अला फातिमा व अबीहा व बाजहा व पढ़ीहा व सर्रिल मुस्तदफीहा बस ये टुकड़ा है जिसका ताल्लुक हमारे जमाने के इमाम आदत माँ आहा ही इल्मो اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها هكذا ما أحاط به علمه اتنا ہی بڑا مسئلہ روزانہ 580 مرتبہ برابر ذرا جان اور آبرو سے کم لیکن اب انسان کے لیے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تو کم سے کم 100 दवा के डोज होते हैं ना ये इस हालत में एक टैबलेट लेगा और अगर हालत और ज्यादा सीरियस हो जाए तो 100 और बाकी बहुत बड़ी परेशानी है तो 580 दवा हर अय्या में अगर पाकिस्तान से बाहर ये दुआ मुझे पढ़ना पड़ती इसलिए कि वहां लोगों के मसाइल यहां से भी ज्यादा अजीब और उलमा और जाकिरीन में थोड़ी हम जैसे कार्यवेदों से भी उनको कहीं साल में एक आध मरतबा मुलाकात का मौका मिलता लेकिन इस वक्त जो चंद दिन मेरा कराची में कायम रहा और जो इससे बाहर भी मैं कहा तो हालात से आकर मैंने जरूरी कर साहिबान ईमान उनकी जान माल औलाद और नामों की हिफाजत से ये खसूसी अमल बता दिया जाए ताकि हो सकता है किसी की समझ में आ जाए जिनके अमल कर और वो अपने आप उन तमाम दहशतों और परेशानियों से बचा ले जो मैं अपनी आंखों देखे तजुर्बात की वजह से आपसे अर्ज कर रहा हूं मैं वाहन बाहर देख के आ रहा हूं लेकिन मैं ये तो हो इस अंदाज की दो दिन हुआ जिनके साथ ये शर्त लग गई कि इनको ज्यादा नहीं पढ़ना जब वाकान इतना बड़ा ना पाया लेकिन हमारी आम को सब्र चाहती फरार चाहती अपने मामला अल्लाह के हवाले करने के बाद एक बेफिक्री और एक इत्मीनान जाती है हमारी तरफ हमने मामला सुपुर्द कर दिया वो हमसे बेहतर जानता है कि किस वक्त हमारे लिए क्या दुआ कबूल की जाए 2500 साल हजरत इब्राहिम की दुआ क्यों कबूल करते हैं क्या खबर तुम न रहो क्या खबर हम न रहे आओ एक काम करें करबला